चोर के पीछे पुलिस पड़ी है, पुलिस के पीछे चोर, कौन किसको पकड़ता है, लेट अस एक्सप्लोर। ब्लडी डैडी एन एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी आ गई है जियो सिनेमा पर आपके होश उड़ाने। अगर आप शाहिद कपूर के फैन हैं तो ये मूवी आपके लिए एक पैराडाइज है, पर अगर आप शाहिद कपूर के फैन नहीं हैं तो ये मूवी आपको शाहिद कपूर का फैन बना देगी। कड़वी बात होगी पर सही बात होगी, मेरे रिव्यूज में हर बार कुछ नई बात होगी। नमस्कार, जय श्री राम, मैं सोनिया, स्वागत है आपका मेरे चैनल रियोना में। रियोना रिव्यूज की सीरीज में आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ एन एक्शन मूवी ब्लडी डैडी। ब्लडी डैडी एन एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी डायरेक्टेड बाय अली अब्बास जफर, हु ऑल्सो को-रोट दिस मूवी विद आदित्य बासु एंड सिद्धार्थ करीमा, प्रोड्यूस बाय जियो स्टूडियोज। मूवी की कास्ट है एंग्री यंग मैन शाहिद कपूर, सुपर टैलेंटेड रोनित रॉय, अंडररेटेड एक्टर राजीव खंडेवाल, डायना पेंटी, विवान बाटेना, अंकुर भाटिया और संजय कपूर। कहानी है एक एनसीबी ऑफिसर सुमेर की, जो रोल निभाया है शाहिद कपूर ने, जो दिल्ली के गुरुग्राम में एक ऑपरेशन के तहत एक ड्रग डील को बिगाड़कर अपने एक साथी के साथ एक ड्रग का बैग जब्त कर लेता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सुमेर वो बैग पुलिस डिपार्टमेंट में जमा करने के बदले ऊपर का जो 3 किलो एक्स्ट्रा ड्रग था वो खुद बेचने वाला होता है। तभी उसको फोन आता है सिकंदर का, यानी रोनित रॉय का, जिसने सुमेर के एकलौते बेटे को किडनैप कर लिया है और उसे छोड़ने के बदले में वो सुमेर से अपना जब्त हुआ माल यानी कि ड्रग्स का बैग वापस मंगवाता है अपनी 7-स्टार होटल पे। अब शुरू होती है असली हंट, क्योंकि डिवोर्सी सुमेर के पास अपने बेटे के सिवाय खोने के लिए और कुछ नहीं है। मूवी के एंड तक आपको यही समझ में नहीं आएगा कि सुमेर किन की तरफ है, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ या क्रिमिनल्स की तरफ। देयर आर सो मेनी शेड्स इन सुमेर्स कैरेक्टर, बट स्टार्ट टू एंड शाहिद कपूर ने हमें जो एंटरटेन किया है इस मूवी में, चाहे वो उनका गुस्सा हो या अपने एकलौते बेटे के लिए प्यार हो, केयर हो या कॉन्सर्न हो, या फिर सिचुएशनल कॉमेडी करने में जो उनकी एक्सपर्टाइज हो। दूसरे कलाकारों में भी रोनित रॉय ने एक बार फिर से एक नेगेटिव कैरेक्टर में कमाल कर दिया है। व्हाट एन एक्टर! बॉलीवुड की सही में बदनसीबी है कि रोनित रॉय जैसे कलाकार एक उम्र तक लाइमलाइट से दूर रह जाते हैं और अनडिजर्विंग लोगों को चांस मिलते ही रहते हैं। साथ में और दो अंडररेटेड कलाकार भी हैं इस मूवी में, राजीव खंडेवाल और डायना पेंटी। राजीव खंडेवाल इज ऑल्सो एन टेरिफिक एक्टर, जिनको उनकी एक्टिंग पे डाउट हो वो उनकी मूवी आमिर जरूर देख लें। साथ में डायना पेंटी ने भी पुलिस ऑफिसर की भूमिका में बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर उनकी जगह कोई अनडिजर्विंग नेपो किड होती तो शायद इतना अच्छा काम नहीं कर सकती थी। बाकी सभी कलाकारों ने अच्छा काम किया है। शाहिद के बेटे की भूमिका निभाने वाले बच्चे ने भी अच्छा काम किया है। फिल्म में छोटे से छोटे सपोर्टिंग कलाकार ने भी अपना काम परफेक्ट किया है। शाहिद कपूर की वजह से एक सेकंड के लिए भी आपकी नजर स्क्रीन से नहीं हटेगी। अच्छे एक्शन सीन करने के लिए आपको बॉडी बिल्डर बनना जरूरी नहीं है, वो आप अपनी एक्टिंग से, अपने जुनून से भी कर सकते हैं। कबीर सिंह के बाद शाहिद कपूर को ऐसे एंग्री यंग मैन के रोल ज्यादा मिल रहे हैं और वो डिजर्व भी करते हैं। फिल्म में सरप्राइज एंट्री है रैप सिंगर बादशाह की। अगर आप बादशाह के फैन हैं, अगर आप बादशाह के फैन हैं तो फिल्म में आपके लिए एक अच्छा गाना भी है जो स्टोरी के साथ साथ ही चलता है, तो वो अलग से स्क्रीन टाइम खा नहीं जाता। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक दोनों बढ़िया है। मूवी की स्टोरी बहुत बढ़िया है, पर है तो रीमेक। ब्लडी डैडी इज अ रीमेक ऑफ द 2011 फ्रेंच फिल्म न्यूस्ट ब्लैंस यानी स्लीपलेस नाइट। पर कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए। मूवी का स्क्रीन प्ले इतना बढ़िया है कि मूवी देखते समय एक मिनट के लिए भी आप बोर नहीं होंगे। यही कमाल है एक अच्छे स्क्रीन प्ले का, और साथ में डायरेक्शन का भी। हर एक कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन शॉर्ट और स्वीट तरीके से किया गया है। किसी भी कैरेक्टर से जुड़ने में हमको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी बहुत अच्छी है, खास तौर पर फाइटिंग के सीन में जो लाइटिंग सेट की गई है वो एक्शन सीन की थ्रिल्स को और बढ़ा देती है। एक्शन, ड्रामा, थ्रिल सब कुछ है इस मूवी में। थोड़ी बहुत गालियां हैं पर एडल्ट सीन नहीं है। अजीब बात तो ये है कि ये मूवी थिएटर में रिलीज होनी चाहिए थी, इसके बदले ये जियो सिनेमा OTT पर फ्री में रिलीज हुई है। ये तो वही बात हो गई कि नायाब हीरो को आप ऐसे रास्ते में बिखेर दो और जो कांच के टुकड़े हैं उनको हीरा बनाकर आप महंगी दुकान में जाकर बेचते हो और वो हीरे बिक भी जाते हैं, हम उनको खरीद भी लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसी मूवी थिएटर्स में रिलीज करनी चाहिए थी। एनीवेज, ड्रग्स जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर बनी ये मूवी आप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। ये मूवी आज से ही फ्री स्ट्रीमिंग हो रही है। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। अगर आप शॉर्ट मूवीज देखना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल रियोना।
और आप भुज, कच्छ और यूनाइटेड किंगडम के ब्यूटीफुल प्लेसेस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें मेरी चैनल रियोनास किंगडम। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।